नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। शिरसा क्षेत्र के डिंग मोड़ पर स्थित सोमवार को संत बाबा प्रीतम सिंह क्लब द्वारा कबड्डी का मैच का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हरियाणा तथा पंजाब की टीमों ने भाग लिया। शाम 5 बजे मैच आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरसा से बाबा अजीत सिंह ने शिरकत की। मैच में शामिल होने के लिए बाबा अजीत सिंह का सरपंच प्रीतम सिंह संधु, डिंग मोड़ सरपंच कुलवंत सिंह नरेलखेड़ा, सरपंच पतली डाबर भोलाराम, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, कुआं वाले ढाणी ने जोरदार स्वागत किया। मैच की शुरुआत में गुरु की अरदास की गई और बाबा अजीत सिंह ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर जीत की कामना की। मैच के दौरान डिंग प्रभारी बलवंत सिंह जसू भी शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि भविष्य में खिलाड़ी की तभी कामयाबी है अगर वह अपनी सेहत के लिए अच्छी ध्यान देखभाल दे। आज में समाज में नशे का बहुत जोर है और बड़े प्रकोप के रूप में फैल रहा है। अगर खिलाड़ी नशे से बचकर रहता है तो वह खिलाड़ी की उन्नति संभव है। खिलाड़ी हमेशा सादा खाना खाए और नशे से बचकर रहे। मैच से पहले दौर में कन्हैयरी तथा भाई रूपा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें कन्हैयरी ने 24.5 तथा भाई रूपा ने 20 अंक प्राप्त किए। मैच के दौरान खेल का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था तथा आसपास के गांव से भारी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। मैच के अंतिम चरण में कैथल ने जीत हासिल कर मेडल प्राप्त किया। इस मौके पर सरपंच प्रीतम सिंह संधू, सरपंच कुलवंत सिंह, सरपंच भोला राम व सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया तथा उनका उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आप देख रहे हैं डिंग पल पल से विनोद स्वामी की ये रिपोर्ट। दोनों टीमां लाइनअप हो जो भी आपा आशीर्वाद मनाया गया है, बड़ा बढ़िया कबड्डी कप करवाया गया है। आशीर्वाद देने के लिए बिट्टू साहब मोगे तो पुजा अपना भरा, दोनों टीमां जिहड़ियां लैण अपने काकाजी कैप्टन वीर एस दा भी अपना नाम सम्मान करना है। बिल्कुल जी, सारे बाबा जी दे नाल कहिंदे पुज रहे ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रीत सिंह जी संधु साहब कबड्डी के बड़े बल है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आशीर्वाद देने लिए पुजते हुए। श्रीमान बाबा अजीत सिंह जी कार सेवा सिरसा वाले जेडे की खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने लिए पुजते हुए। जो बोले